हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द फ्री रेडियो। ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है सलमान रुश्दी ने। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1975 में इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन लोगों ने क्या किया, एक स्कीम सोची, एक तरीका सोचा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। वो तरीका क्या था कि जितने भी इंडिया में आदमी थे उन सबको ज़बरदस्ती नसबंदी करवाने का। नसबंदी क्या होता है, एक छोटा सा ऑपरेशन टाइप का होता है जिसमें वो करवाने के बाद जो आदमी है वो फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, फिर उसके आगे बच्चे नहीं हो पाएंगे। तो ज़बरदस्ती जो भी गवर्नमेंट होती थी वो लोग उसका नसबंदी करवा देते थे और उसके लालच में उसे एक फ्री में रेडियो देते थे। तो ये जो स्टोरी है ये भी उस नसबंदी के टाइम की है और इसलिए स्टोरी का नाम है फ्री रेडियो, क्योंकि वो नसबंदी करवाने के बाद इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसे एक फ्री रेडियो मिलता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि मिलेगा। हम लोगों को स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग इस स्टोरी के जो राइटर है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम सर अहमद सलमान रुश्दी था और इनकी जन्म 19 जून 1947 में हुई थी मुंबई में। और ये एक ब्रिटिश इंडियन राइटर थे। ब्रिटिश इंडियन इसलिए क्योंकि इनका जन्म इंडिया में हुआ था और ये जाके फिर यूनाइटेड स्टेट्स में रहने लगे और वहीं पे उन्हें सिटीजनशिप मिल गई वहीं की। और इनकी नोटेबल वर्क की बात की जाए तो मिडनाइट चिल्ड्रन, देन शी फाउंड मी, ब्रिगिट जोन्स डायरी, ये सारी इनकी नोटेबल वर्क है। अवार्ड्स की बात की जाए तो बुकर प्राइज, द बेस्ट ऑफ द बुकर अवार्ड्स इन्हें मिली है। तो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी के तीन मेन कैरेक्टर्स थे। तो पहला जो हमारा कैरेक्टर है उसका नाम है रमनी, रिक्शा पुलर, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी जिसका नाम है रमनी। नंबर टू द नैरेटर जो इस स्टोरी को हमें बता रहा है। और नंबर थ्री अ थीव्स वीडो, एक चोर की विधवा, और उसके 5 बच्चे थे। तो ये स्टोरी शुरू होती है और नैरेटर हमें बताते हैं कि जो हमारा रमनी है वो जो थीप्स वीडो है उससे ये सड्यूज हो गया, मतलब उसे अट्रैक्ट हो गया उससे ये, और उसे कहीं ना कहीं लाइक करने लगा। तो नैरेटर को ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। एक्चुअली जो नैरेटर है ये एक टीचर है, एक रिटायर्ड ओल्ड टीचर। और जो रमनी है, रमनी के जो पेरेंट्स थे उसे जो हमारे नैरेटर है उन्हें ये काफ़ी अच्छे से जानते थे और इसलिए इन्हें काफ़ी ख़राब लग रहा है कि अगर इसके पेरेंट्स अभी ज़िंदा होते तो वो इसे इस थीप्स वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ने देते। तो ये नैरेटर सोचते हैं कि मैं कैसे इन दोनों को अलग करवाऊँ, मतलब कैसे मैं रमनी का पीछा छुड़वाऊँ उस थीप्स वीडियो से। फिर नैरेटर हमें बताते हैं कि ये दोनों कैसे मिले थे। तो एक दिन क्या होता है कि जो थीप्स वीडियो थी वो एक बनिए के शॉप के पास खड़ी थी अपने 5 बच्चों के साथ और जो रमनी था अपना रिक्शा लेके वहाँ से क्रॉस कर रहा था। तभी वो रिक्शा रोकती है और रिक्शा पे बैठ जाती है अपने 5 बच्चों के साथ। तो नैरेटर ऐसा बताते हैं कि जो थीफ वीडो थी ये काफ़ी गरीब थी, क्योंकि जो चोर था, जो थीफ था, उसका हस्बैंड वो जब मरा तो उसके लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गया, कुछ भी पैसा नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके 5 बच्चे थे और वो अकेली थी, कुछ भी काम नहीं करती थी। लेकिन जो भी वहाँ उस शहर के लोग थे वो लोग सब यही कहते थे कि आखिर इसके पास पैसे कहाँ से आते थे। तो कुछ लोग ऐसा कहते थे कि उसके झोपड़ी के पास उन्होंने मतलब रात में कुछ लोगों को उसके झोपड़ी से निकलते हुए देखा है। तो नैरेटर ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जो थीप्स वीडियो थी वो कहीं ना कहीं एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी। तो फिर नैरेटर बताते हैं कि उस दिन वो रमनी के रिक्शा पे चढ़ी और फिर उसके ही अगले दिन से वो लोग दोनों साथ में देखे जाने लगे, मार्केट में साथ में घूमते थे और साथ में हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते थे। तो नैरेटर को ऐसा लगता है कि जो थीप्स वीडो है ये काफ़ी मतलब उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको सड्यूस करना चाह रही है जानबूझ के, और उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मतलब रमनी इतना मतलब अच्छा आदमी है, वो काफ़ी हैंडसम था और उसके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे थे, और थीप्स वीडो जो थी वो उसको ऐसे सड्यूस कर रही है, उसको अपने जाल में फंसा रही है। तो अब रमनी उस थीप्स वीडियो से मिलने लगता है। उसके बाद से उसकी थोड़ी फ्रेंडशिप भी ख़राब लोगों से होने लगती है। उसके जो दोस्त थे वो यही नसबंदी वाले काम में जुड़े थे, मतलब वो लोग लोगों को पकड़ के लेके आते थे, आदमी सबको, और वो लोग को ज़बरदस्ती नसबंदी करवाते थे। और वो उसके जो दोस्त थे वो लोग हाथ पे एक बैंड पहनते थे, मतलब ये पता करने के लिए कि ये लोग सब उस ग्रुप के आदमी हैं,
रमनी भी कहीं ना कहीं उस ग्रुप में था, लेकिन वो वैसा बैंड नहीं पहनता था। और वो उन लोगों के साथ मिलके फिर जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, बहुत ख़राब टाइप का अल्कोहल ड्रिंक करने लगा। उसके जो दोस्त थे वो लोग रमनी को काफ़ी बुरा चढ़ाते थे कि तुम तो इतने हैंडसम हो, तुम्हें तो मतलब एक एक्टर बनना चाहिए, तुम ऋषि कपूर की तरह दिखते हो, तो तुम ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो, तुम एक्टर बन सकते हो। और यही सब बढ़ा चढ़ा करके उसे जुआ के लिए और शराब पीने के लिए उससे पैसे ऐंठ लेते थे उसके फ्रेंड्स रमनी के। और जो थीफ की वीडियो थी वो भी उसे मना नहीं करती थी कि तुम ऐसे लोगों के साथ मत रहो, वो उसे और बढ़ाती चढ़ाती थी कि हाँ तुम एक्टर बन सकते हो, तो तुम बहुत हैंडसम हो, तो ये वो। तो एक दिन क्या होता है कि जो नैरेटर थे वो बनिए के शॉप पे थे और जो थीव्स वीडियो थी तभी वहाँ पे आ जाती है। तो नैरेटर ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे अभी समझाता हूँ कि ये रमनी से दूर रहे, तो ये अपने सोशल पावर का यूज़ करके उससे बात करने जाते हैं। तो वो जाते हैं तो उससे बोलते हैं कि तुम रमनी से दूर रहो, तुम वो एक काफ़ी अच्छा आदमी है और तुम उससे दूर रहो, तुम उससे अपने जाल में मत फंसाओ। तो जो थीप्स वीडो थी ये पूरे ही एटीट्यूड में एकदम बोलती है कि मैंने उसे अपने जाल में नहीं फंसाया है, वो खुद आया है मेरे पास, वो खुद बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया शादी से क्योंकि मेरे ऑलरेडी 5 बच्चे हैं और वो एक यंग मैन है तो वो खुद का बच्चा करेंगी, बट मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने शादी से मना कर दिया। और वो कहती है कि आप जो ये जहर फैला रहे हैं ना, आप रमनी से दूर रहिएगा, रमनी तक ये जहर नहीं फैलाइएगा। और उल्टा सीधा उसे उन्हें कुछ कुछ बोल के वो चली जाती है। तो नैरेटर को थोड़ा बुरा लगता है, फिर वो सोचता है मुझे इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। अब कुछ दिनों के बाद जो नैरेटर था वो अब उन लोगों के चक्कर से हट जाता है, रमनी और उस थीफ की वीडियो के बारे में अब नहीं सोचता है। और शहर में और भी चीज़ें हो रही होती है, उसके बारे में उसका ध्यान भटक जाता है। वो देखता है कि जो वहाँ के हेल्थ ऑफिसर थे वो ज़बरदस्ती पकड़ के लोगों का नसबंदी करवा रहे थे, और जो रमनी के फ्रेंड्स थे वो लोग भी पकड़ पकड़ के ला रहे थे और ज़बरदस्ती सबका नसबंदी करवा रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद जो नैरेटर है उसे पता चलता है कि रमनी ने उस थीफ की वीडियो के साथ शादी कर ली। और कुछ दिनों के बाद उसे वो हेल्थ ऑफिसर के पास भी जाते हुए देखता है जहाँ पे वो नसबंदी का काम चल रहा था। तो नैरेटर समझ जाता है कि रमनी ने भी अपनी नसबंदी करवा ली है, तो वो बहुत गु़स्सा हो जाता है और फिर वो रमनी से बात करने जाता है और उसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, वो तुम्हें बस यूज़ कर रही है, तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाह रही है। उसे कहता है कि वो तुमसे तुम्हारा मैनहुड छीन लेगी। तो रमनी बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बोलता है कि मैं सरकार का साथ दे रहा हूँ पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, और मेरी वाइफ को बच्चा नहीं चाहिए था इसलिए मैंने नसबंदी करवा ली, और इससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी मैनहुड छिन जाएगी। और वो बोलता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे एक फ्री रेडियो मिलेगा। तो नैरेटर को ये पता था बात की, वो जो फ्री रेडियो वाली स्कीम थी वो तो अब कब की ख़त्म हो चुकी है, अब किसी को कोई भी फ्री रेडियो नहीं मिलता, लेकिन वो रमनी को ये बात नहीं बताता है। रमनी पूरा सबसे कहते रहता था कि मुझे एक रेडियो मिलने वाला है, तो मुझे अब रेडियो मिलेगा, तो मुझे कल रेडियो मिलेगा, परसों मिलेगा, ऐसे करके सबसे कहते रहता था। और कुछ दिन वो वेट करता है लेकिन फिर भी रेडियो नहीं आता है। तो वो क्या करता है कि जब वो रिक्शा चला रहा होता है तो वो ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि वो रेडियो में बोल रहा है, और एकदम अपने कान पे हाथ रख के और एकदम ऐसे बोलता था जैसे कि वो रेडियो में ही बोल रहा है, और वैसे ही रिक्शा चलाता था। और पूरे शहर को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि हाँ इसे रेडियो मिल चुका है, इसके पास रेडियो है, लेकिन वो बस एक्टिंग करता था। फिर बहुत दिन हो जाते हैं लेकिन उसे रेडियो नहीं मिलता, तो वो सोचता है कि मैं जाता हूँ वो हेल्थ ऑफिसर के पास जाता हूँ अपने रेडियो डिमांड करने। तो जब वो जाता है वहाँ पे तो उसके जो दोस्त थे वही उसके दोस्त जो वो बैंड लगाते थे हाथ में, वही लोग उसे मार मार के और पूरा उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है और मार के और वहाँ से भगा देते हैं। ये जाके मतलब मांगा होगा कि मेरा रेडियो दीजिए, लेकिन वो लोग के पास तो ये स्कीम ख़त्म हो गई थी, लेकिन ज़िद किया होगा इसलिए वो लोग उसे मार मार के भगा दिए। और फिर उस इंसिडेंट के बाद जो रमनी था वो सोचता है कि मैं अब मुंबई चला जाता हूँ अपने पूरे फैमिली के साथ। तो वो नैरेटर को बताता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ अपने पूरे फैमिली के साथ, और मैं वहाँ पे जाके एक एक्टर बनूँगा, एक अच्छा लाइफ जीऊँगा एक एक्टर वाला। फिर वो चला जाता है मुंबई, और फिर कुछ दिन के बाद नैरेटर को एक लेटर मिलता है। नैरेटर वो लेटर देख के समझ जाता है कि ये कोई टाइप राइटर से मतलब टाइप करवाया गया है, क्योंकि रमनी को तो लिखने आता नहीं था। तो नैरेटर को रमनी का लेटर मिलता है, वो पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि वो अब एक बहुत सक्सेसफुल एक्टर बन चुका है, एक अच्छा हीरो बन चुका है मूवीज़ में। और उसके बाद नैरेटर को वैसे वैसे बहुत सारी लेटर्स मिलने लगी रमनी की कि कैसे कैसे उसकी अच्छी लाइफ कट रही है, कैसे कैसे वो एक्टर बन गया, इतना सक्सेसफुल हो गया अपने लाइफ में। और हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
तो कैसे लगे आज की स्टोरी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड कुछ भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू।